This call is now being recorded. ओके तो सब बच्चों, हमने बहुत अच्छे से सब कुछ चीज पढ़ा हुआ है। अपना टाइम टेबल को बहुत अच्छे से बताइए। 23 तारीख के दिन है ना, सॉरी, जैसे आपको 27 को, 26 को, 27 को आपका एग्जाम, 29 को एग्जाम है ना। तो स्टार्टिंग के 2 दिन से बच्चा को सिर्फ पूरा फोकस करना है, रिविजन पे फोकस करना है। यूट्यूब पे आपका अभी इस हफ्ते में वीडियो आ जाएगा कि कम सारा बच्चा ज्वाइन करो, क्वेश्चंस करेंगे मत करना, टाइम वेस्ट होगा। क्वेश्चन ज्यादा हो तो वहाँ पे करो, लेकिन अगर पूरा आपका रिविजन बोर्ड बेस्ड है तो अच्छे से सारे बच्चे प्रॉपर रिवाइज करेंगे, ठीक है। देखो, यह आपका पहला पॉइंट, ये आपका पहला क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है। मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर आपको बताना है। बच्चे देखो, ये आपके क्वेश्चन पूछा गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछा गया, ठीक है ना। बच्चे मैं पोल लॉन्च कराओ, आपके पास टाइम शुरू था, आप आंसर दे सकते हैं। अगेन एनसीईआरटी क्वेश्चन है और ये आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है। अभी के लिए आप यहाँ वोट कीजिए, बिकॉज मुझे आपको आंसर बताना भी इसलिए, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन आएंगे तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होगा, वो भी हम करेंगे। कीजिए कमॉन। एक आपका 1.4 डाइक्लोरो बेंजीन है, एक आपका 1.2 डाइक्लोरो बेंजीन है, एक आपका 1.3 डाइक्लोरो बेंजीन है। आपको मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बताना है। कम बच्चा वोट डन कर सकते हो। चलो कीजिए कीजिए बच्चा। नीति, ऐश्वर्या, गुंजन, सारे बच्चे कीजिए। जो लग रहा है आपके मन में, जो इंस्टीट्यूट है वहां पर नोट डाउन कीजिए इसको, ठीक है। बहुत बढ़िया गुंजन। ओके, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर। ओके, 4 बच्चे वोट डाउन कर दिया अभी तक। कैमरा ऑन किया था गलती से, मुझे ऐसा लगा किसने कैमरा ऑन किया था। कैमरा? यस सर। हाँ तो कैमरा ऑन कर लो, क्या बात है। तन्वी कर लो, कर लो, तन्वी कर लो कैमरा ऑन, बढ़िया है। नो सर। अरे तन्वी कर लो ना, कर लो, बाकी सब भी कर लेंगे, हम भी देख लेंगे। जहां तक मैं देख रहा हूँ सब बच्चों का आंसर बटा हुआ आ रहा है यहाँ पर फिलहाल तो, ठीक है ना। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ चीज सीखोगे ना तो आएगा, ठीक है। हेलो राशि बेटा, ऋषिका ने वोट कर दिया, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग सर। हाय बेटा, राशि बेटा। बेटा मुझे तो कुछ पता ही नहीं है ना, है कि नहीं। चलिए चलो बच्चों, मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ। अब हम देखते हैं अभी हम इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द रिकॉर्डिंग ऑफ करनी है, पॉल पॉल बंद करने के लिए बोल रहे थे। नहीं, मैं बोला पॉल ऑफ कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग ऑफ क्यों कर रहा हूँ। सर आपसे बोला मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, सर आपने गलती से बोल दिया। हाँ तो हो गया होगा, चलो ठीक है। तो बच्चों इसको आप यहाँ नोट डाउन करना। अब बच्चों कैसा, ये थोड़ा आपका फैक्चुअल टाइप क्वेश्चन है। सर ए ऑप्शन था जी बच्चा, ए इज द क्या लगाया मैंने। ओके, अब बच्चा यहाँ पे ध्यान दो, अब ये कहाँ से, इसको ध्यान दो। अब बच्चा ये आपका एनसीईआरटी टेबल एंड टेबल जो आपके टेबल आते हैं, वो टेबल में से क्वेश्चन पूछा है मल्टी पॉइंट वाला पार्ट को, तो वो टेबल को बच्चा प्लीज ध्यान रखना। एनसीईआरटी के जो टेबल बच्चों, टेबल में से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको आप बच्चा प्लीज प्रॉपर इसको ध्यान रखना। डन सारे बच्चे? ओके, सबको पता रहेगा ये पार्ट, ठीक है ना। तो सबको इसको, इस बात को थोड़ा ध्यान रखना। पैरा का ज्यादा होता है, फिर आपका ऑर्थो, फिर आपका मेटा का होता है, ठीक है ना, ठीक है ना। और वैसे बच्चों क्या ये आपके इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पैरा ऑर्थो पे और पैरा पे ज्यादा आती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा,
जो आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा आपका ऑर्थो और पैरा पे ही अटैक करता है, इसलिए आपका मेटा नहीं बनता। ओके तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते बच्चों, बच्चों ये क्वेश्चन आपने किया हुआ है, ये क्वेश्चन बच्चा आपने बहुत बार किया हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पे तो क्वेश्चन क्या लिखा गया है सारे पे ध्यान समझना, पहले मैं पोल लॉन्च करता हूँ, तब तक आप आंसर कीजिए। क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए पहले, क्या लिखा गया। बच्चा मैंने पोल लाइव कर चुका हूँ, आप वहां पे आंसर दे सकते हैं, एंड आप हैंड्स डाउन भी कर लो बच्चों, सारे बच्चे। फिनॉल, ये आपका फिनॉल है, हमको रिएक्ट कराना है Br2। क्या बच्चों बोला, क्या लो पोलैरिटी में रिएक्ट कराना है, तो आपको बोला है बच्चा क्या हमारा मेजर मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो बच्चों ये आपने पढ़ा हुआ है कार्बन डाइसल्फाइड या C4 वाला पार्ट, और यहाँ पे आपको इसका आंसर बताया बच्चा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, आपका इजी क्वेश्चन है। अगेन बच्चों एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान देना सारे बच्चे। क्वेश्चन बच्चा आपका ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। एक बच्चे ने उठ किया है, हैंड डिस्कर दो बच्चों, कम ऑन। फिनॉल में अगर आप Br2 डालते हो तो क्या बनेगा आंसर बच्चा। हमने बहुत बार हमने रिएक्शन पढ़ा बच्चों, दो चीज होता है, एक होता है ब्रोमिन वाटर, एक दूसरा पार्ट होता है। प्लीज समझिए कीजिए इसका आंसर। जितने ही बच्चों ने यहाँ पे वोट डाला है उन सबका आंसर राइट है। नहीं अभी अभी तीन बच्चों गलत है, पता नहीं कैसे आंसर चेंज कर दे क्या किसी ने। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, करो करो, आएगा आएगा आंसर, आएगा सीखो। बच्चा इजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड है बच्चा। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बच्चा, ओके। तो बच्चा मैं यहाँ पे पोल कमेंट कर रहा हूँ। तो बच्चों ये हमने बच्चों पहले भी दिखा था, अगर आपका हम फिनॉल में ब्रोमिन क्या आता आंसर आता है, हम बोलते हैं या तो ए आंसर आता है या तो आपका ऑप्शन सी आता है बच्चा, बी और डी नहीं आएगा, है ना। और देखो अगर आपने वाटर डाला है दैट इज ब्रोमिन वाटर, तो क्या बच्चों का तब आपको ऑप्शन ही आता है। तो बच्चों यहाँ पे आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी बच्चा। ऐसा क्यों है बच्चों, बिकॉज लिखा यहाँ पे लिखा गया है लो पोलैरिटी सॉल्वेंट, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे देखो देखो ये आपका लो पोलैरिटी है, जैसे हम बात करते हैं CH2 कार्बन डाइऑक्साइड या तो CCl4, तो बच्चों क्या होगा, ये आपका पैरा पोजिशन में जुड़ता है आपका ब्रोमीन, ये ध्यान रखना। ओके बच्चा आ रहा सबको समझ में ये पार्ट, ओके चलिए ठीक है बच्चों। देखो ऐसे आपको चीजों को प्रॉपर समझना, और मैं आपके टाइमर भी यहाँ पे लगा देता हूँ, तो आपको टाइम भी दूंगा मैं आपको प्रॉपरली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर बच्चा ये आपका एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर बच्चा ये आपके एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, जिसको आता हो वो बच्चा एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन है तो तभी देना बच्चा, अगर आपको आता है अदरवाइज मत देना, अदरवाइज मत देना, ठीक है ना। अभी तो आप यहाँ पे पोल में आंसर वोट डन करना सारे बच्चे, मैं इसका आपको फिर आपको सारे एलिमेंट्स को याद करना भी सिखाऊंगा आप सबको,
बच्चा मैंने टाइमर स्टार्ट कर दिया है, आपके पास 2 मिनट का टाइम है, कम ऑन। ND2+ का आपको इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन है, मैं आपको सारे एलिमेंट्स का ही बताना सिखाऊंगा, ठीक है ना, कैसे आप याद करोगे। अगेन सारे बच्चे वुडन, यहाँ पे सारे बच्चे वुडन करेंगे इस क्वेश्चन को। पांच बच्चों ने यहाँ पे वोट डाल चुके हैं, बहुत बढ़िया बच्चों। लास्ट 1 मिनट, कम ऑन कीजिए। ओके बच्चों, लेंथनेड वाला पार्ट है ना, थोड़ा सा अभी मैं आपको बताऊंगा, शॉर्टकट ट्रिक भी बताऊंगा आपको, ठीक, कैसे आपको याद करना है। तो बच्चा एग्जाम में ये पार्ट ध्यान याद कर लेना, इम्पोर्टेंट है। बच्चों लास्ट लास्ट 15 सेकेंड्स, देखो हर एक पार्ट से क्वेश्चन आने वाले, बात ध्यान, हर एक पार्ट से क्वेश्चन आने वाला है, ये बात ध्यान रखना सारे बच्चे। चलिए बच्चा मैं यहाँ पे पोल को एंड करता हूँ, टाइम बच्चों में खत्म हो रही है। अब बच्चों सबसे पहले, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, थोड़ा वेट करो। तो बच्चों ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, तो बच्चों सी आपका राइट आंसर है। अब सारे बच्चे यहाँ पे देखिए, मैं आपको है ना सारे लेंथनेड्स का याद कर सिखाऊंगा, ठीक ना बच्चों। एग्जाम में आपको लेंथनेड्स का ऑक्सीडेशन में पूछेंगे एग्जाम में, ये ध्यान रखना। ओके अब देखो, स्टार्ट होता बच्चों होता है लैंथनम से, एल स्टार्ट होता है, और बच्चों खत्म कब होता है, खत्म होता है आपका एल यू पे, ठीक ना। इसका बच्चा एटॉमिक नंबर था 57, इसका बच्चा होता है 71, ये करना, ठीक ना। अब देखो सबसे पहले मैं आपको हर एक एलिमेंट यहाँ पे बताऊँ, ठीक है। देखो 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 बच्चों, मैंने कैसे इसको याद के ध्यान देखो, है ना। सलीना ने, सलीना, प्रीति एंड पम्मी, सलीना, प्रीति एंड पम्मी, ऐसे बच्चों नोट कर लेना, सलीना, प्रीति एंड पम्मी, ठीक है, याद हो गया, ये पहला पार्ट हो गया। सैम, सैम की यूरोपियन गड्डी में तबीयत ढीली हुई, इसको बच्चों कैसे याद दिखा मैं, देखो सैम, सैम की यूरोपियन गड्डी में तबीयत ढीली हुई और तुम यहां से वहां घूम रहे थे, मतलब कि ऐसा लास्ट में एक फ्रेज बना दो तो अच्छा होगा, ठीक है ना। तो बच्चों जैसे क्या आपको एल याद है और आपका एल यू याद है, ये हो गया। सलीना, प्रीति एंड पम्मी, सैम की यूरोपियन गड्डी में तबीयत ढील हुई और तुम यहां से वहां घूम रहे थे, ऐसा हम इसको एक याद कर सकते, ठीक ना। इसको आप अपने वर्ड्स में लिख सकते, हिंदी में लिख सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। अब देखो सिंपल सी बात बच्चों, अगर ये 57 तो ये क्या होगा, ये आपका 71 होगा, तो ये आपका पूरा एलिमेंट सबको याद कर लो, सबको याद कर लेना, ठीक है ना। अब बच्चा ध्यान, मैं आपको बता दो, इसका बता दो, बता दो, जो लैंथनम है एक्सी, ज़ेनॉन,
इसका होता है 6s2 5d1। बच्चा हमेशा ध्यान रखना, जितने भी हमारे लेंथ एंड्स हैं, जितने भी हमारे लेंथ एंड्स हैं, सब में आपका डी में आपका एक ही इलेक्ट्रॉन है। क्या बच्चों? सब में आपका डी में एक ही इलेक्ट्रॉन है। फिर बच्चों क्या आएगा, श्रेणी में आएगा 58। अब बच्चों यहां से आपको ध्यान समझना है, जोनॉन ये लिख दे बच्चों दिया, फिर आपको लिखना है 4f 4f1, यहां से आपको स्टार्ट करना है और बाकी ऊपर वाला सेम 6s2 5d1। तो लिखे बच्चों क्या आएगा, फिर आएगा 59 प्रोमिथियम, सो प्रेस्डियम, जेनॉन 4f2 6s2 5d1। ये बच्चा हो गया, डन सारे बच्चे, हाँ है ना? ओके, तो ये इसका होगा। फिर बच्चों क्या, फिर आपका है एनडी, कितना बच्चा एनडी का होगा, आप बोलोगे एनडी होगा 60, राइट? ये बच्चों ऐसा का, फिर आप बोलोगे ओके यहाँ पे 5d1 नहीं आएगा, खाली एक ही जगह पे 5d1 आता है, एक ही जगह पे खाली फिर कुछ फाइड सब में आपको नहीं आता। ठीक है, चलो बस मिल जाएगा। ओके फाइन, ठीक है। तो बच्चों ये बन गया, फिर बच्चों क्या आएगा 4s, क्या बच्चों बन गया आपका 4s2, सॉरी 4s3 6s2 5d1। ऐसा बच्चों आपको सब सब में आपको ऐसे रिपीट रिपीट करते जाना है, सब में आपको ऐसा रिपीट रिपीट करते जाना है, ठीक है ना? इससे बच्चों दो अगेन और एक बात, कभी भी आपका 4f में आपका दो इलेक्ट्रॉन, सॉरी तो मैंने यहाँ पे गलती कर दी, यहाँ पे आपका 4f आएगा, यहाँ पे 5, यहाँ 4f 4 आएगा। कभी भी आपका 4f में दो इलेक्ट्रॉन और 4f में 8 वाला पार्ट कभी नहीं आता, ये नंबर कभी नहीं आते, बाकी हर एक नंबर आता है। तो 1 3 4 5 6 7 आपको सारा आपको ऐसा फिल कर जाना है। समझ में आया बच्चों ये पार्ट कैसा करेंगे? अगेन ये पहला ध्यान रखना है, फिर आपका अगेन 4f 4f1 4f3 4f4 4f5 4f6 ऐसा जाएगा, ऐसे बच्चों आपको समझना है। अब देखो सपोज करो हम, मैं बात करता हूँ सीरियम 4+, मैं बोलता हूँ सीरियम 4+, मतलब क्या बच्चों, सीरियम में से क्या बच्चों होगा, आप बोल दो चार्टोन चला जाएगा। तो बच्चों कहाँ से, यहाँ से देखो, दो ये पहला इलेक्ट्रॉन गया, सॉरी ये 4s से पहला इलेक्ट्रॉन जाएगा, यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन गया, दो गया, ये तीन गया और ये चार गया, तो बच्चों क्या बनेगा Xe 4f0। ये क्या बच्चों का, ये आपका सीरियम 4+ का ऑक्सीडेशन होगा। तो आपको एग्जाम में जो भी बोले आपको यहाँ पे निकालने में हेल्प होगा, ठीक है? तो इसका 61 है, इसका 62 है, इसका 63 है, 64, 65, 66, 67, 68, 69 और ये 70। ऐसे बच्चों आपको ध्यान से ड्रॉइंग करते जाना है। पीएम बच्चों कैसे होगा, इसका बच्चों ऐसे होगा Xe 4f5 6s2 5d1, ऐसा आपका होगा। देखो पहले लोग छोड़ के बाकी सब दो, सब में आपका 5d1 ही रहेगा, हमेशा देखना सब में आपका 5d1 ही रहेगा। ईयू बच्चों हम कहाँ पे थे, इसका आ गया, इसका इसका इसका, अब ये बच्चों हम एसएम के लिखते हैं, एसएम बच्चों क्या होगा, अगेन Xe 4f6 6s2 5d1 EU, दैट इज यूरोपियम। क्या बच्चों का, Xe 4f7 6s2 5d1। तो बच्चों ऐसे आपको सबका ऐसे आपको लिखते जाना पड़ेगा। डन सारे बच्चे, समझ में बच्चे पार्ट, हाँ ना? कैसे हम कर रहे हैं? आगे बच्चों 4f7 आ गया, तो मतलब क्या आ गया, आपका 4f8 नहीं आने वाला, ये दोनों नहीं बनाता, बाकी सारा बनेगा। तो ऐसे है बच्चों आपको वहां पे सबका इलेक्ट्रॉन कोएफिशिएंट याद होना चाहिए, तो ऐसा आप यहाँ पे घूम कर सकते हो। अगेन एल ए लेंथ नेम एंड लोकेशन लिख दो, ठीक ना? तलीना प्रीति एंड पम्मी, सैम की यूरोपियन गड्डी में तबियत ढील हुई और तुम यहाँ से वहां निकल गए, ऐसा आप इसको याद कर सकते हो तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ पर किसी बच्चों को भी नहीं ना? अब देखो जैसे यहाँ पे लिखा है Nd2+t, तो मतलब क्या बच्चों होगा, बच्चों क्या होगा, आपका दो इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, देखो ये आपका बनेगा, ठीक है ना? तो ये आपको प्रॉपर यहाँ पे समझना है,
नहीं, यहाँ पे सुनो, यहाँ पे सब में फाइट ही नहीं आएगा, मैं गलती कर रहा था। हाँ, यहाँ पे ठीक है ना, खाली गले डूब में आपका बनता है। ओके, यह ऐसा आपको समझना है। तो मेन बात क्या बच्चों, आपको सबका बेसिक पता होना चाहिए कहाँ पे ऐसे बनेगा। अगेन जैसे मैंने आपको कहा, देखो 4F2 नहीं आएगा, 4F8 नहीं आएगा, बाकी आपको सारा आपको करते जाना है, ऐसा आपको समझना है। कोई दिक्कत बच्चे यहाँ पे किसी को भी? डन, यस सर। ऐसा आपको यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे आपको समझते जाना है। ठीक है, ओके। अब देखो बच्चों क्या बोला गया है, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड्स। अब बच्चा ये अग्नि क्वेश्चन आ गया। अब बच्चा जब भी आपको बेसिक स्ट्रेंथ के बारे पूछा जाएगा तो करना क्या बच्चों, आप निकालो सबका ऑक्सीडेशन नंबर। अब बच्चों मैंने आपको ट्रिक भी बताया था, याद है आपको, मैंने आपको बताया था जितना ज्यादा ऑक्सीजन का नंबर बढ़ेगा, कीजिए बच्चा, मैंने बच्चा पोल लॉन्च कर दिया, इसका आप आंसर दे सकते हैं। सारे बच्चे दीजिए, कम ऑन, इसका आंसर क्या आएगा बताइए। द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड्स, बच्चा पोल में दे सकते हो सर, पूरा बोल देते हैं। कौन सा पार्ट, कौन सा पूरा बोल देते बच्चा? अच्छा, इसका आंसर, नहीं इसका आंसर बोलना है कि नहीं? चलिए देखो, सब में मेटल सेम है, V2 सब में है। ओके, दो बच्चे ने वो डन कर लिया अब तक, तो बाकी सारे बच्चे कीजिए, कम ऑन। क्या बात है, तीनों ने एक ही आंसर को उड़न के अभी तक, लेट्स सी क्या आंसर आता है। बाकी सारे बच्चे प्लीज वोटिंग कीजिए, सारे बच्चे जल्दी जल्दी, कम ऑन। लगाए लो पकोड़ा को तुलड़ा मारो जो खोद जी मारो नहीं क्या बात है, अभी तक सारे बच्चे ने एक ही ऑप्शन टिक किया, जितने बच्चे वोट डाला सबने एक ही ऑप्शन टिक किया, सभी ने। अब काश सबका आंसर रॉन्ग ना हो जाए, बस मैं तो ये देख रहा हूं, रॉन्ग ना हो जाए ऐसा बोल रहा तो। मैंने आधा ही बोलता ना, जैसे गुंजे कहा था, मैंने क्या बोलता, आधा ही बताया था। चलिए बोलो टाइम सब, ये बच्चा फ्रैक्चर टाइप क्वेश्चन, ठीक है ना? अब देखते हैं आंसर क्या आता है। तो जैसे मैं कहा था बच्चों कि आंसर क्या था बच्चों, क्या था? और मैंने मैंने बोला आधा आंसर बोल था, राइट? देखो यहाँ पे बोला गया, पर देखो ऑक्सीडेशन स्टेप को क्या हो चुका, क्या हो रहा है, इंक्रीजेस एज द एसिड रिच इंक्रीज होगा, सो बेसिक ऑर्डर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना? याद है बच्चों मैंने आपको एक चीज बताया था, ऐसा देखो एक CLO था, एक होता HClO2, एक होता HClO3, एक होता HClO4। बच्चों ये आपका एसिडिक वाला पार्ट था, मैंने क्या बोलता, मैंने आपको ये कहा था जितना ज्यादा ऑक्सीजन बढ़ेगा उतना ज्यादा आपका एसिडिक रिएक्शन बढ़ेगा, तो उसका रिवर्स है बेसिक ऑर्डर, ठीक है ना? सबने सही किया, आंसर किया, खाली आंसर बच गया होना चाहिए, ऑप्शन सी होना चाहिए, और कुछ नहीं, ठीक है ना? जितने बच्चे ने यहाँ पे वोट डन किया वो सेम कॉन्सेप्ट सोचे रहते, राइट? तो यस, ये आपका आंसर है। तो बच्चों प्लीज इसको थोड़ा सा नोट करो, ठीक है ना? अगेन बेसिक नेचर मतलब क्या बच्चों, इलेक्ट्रॉन को देना है, ठीक है ना? अब इलेक्ट्रॉन है ही नहीं मेरे पास, तो मैं इलेक्ट्रॉन कैसे दे पाऊंगा, समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों? हाँ, है ना, है कि नहीं? यस ये थोड़ा आपको प्रॉपरली समझना है ये वाला पार्ट को।
इस वाला पटका उसको आपको थोड़ा सा प्रॉपरली समझना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे एक में प्लस थ्री है, एक में प्लस टू है, एक में प्लस फाइव है ना। तो सिंपल सी बात है बच्चा, आप क्या बोलोगे, अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन से नहीं है तो मैं बेसिक, मतलब क्या, अगर हम जो हम जितना भी बेसिक बेसिक की बात है, वो बेस क्या करता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन देते हैं सामने वाले को ना, वही तो मतलब ना, जब हम बात करते हैं लुईस बेस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। तो बेसिक वाला मतलब क्या हो चुका, इलेक्ट्रॉन देगा ना, देगा। अभी प्लस फाइव, रेडियम प्लस फाइव मतलब उसको इलेक्ट्रॉन नहीं है तो देगा से, तो क्या बचेगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो बच्चों ये जो स्टेटमेंट है बच्चों, इसका प्लीज प्रॉपर यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए सारे बच्चे, अगेन बच्चे बोल रहा हूँ प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। सारे बच्चे ने एकदम सही कॉन्सेप्ट लगाया था लेकिन रिवर्स में, ठीक है ना, ओके। चलो सबने आंसर सही लगाया था पर लेकिन रिवर्स में लगा दिया था, ठीक है ना। काश गुंजन थोड़ा और वेट कर लेते, मैं शायद पूरा बोल देता। हाँ सच में सही बोला। चलिए ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा है ना। देखो अगेन बच्चे बोल रहा हूँ, आप यहाँ पे दे, आप क्या सीख रहे हो, आप यहाँ पे गलती का साथ चलेगा। बस अगेन बच्चों बोल रहा हूँ, ये सब पॉइंट ध्यान रखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ गलती मत करना और कुछ नहीं, एग्जाम पॉइंट ऑफ में आप गलती मत करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़े बच्चा। यस सर। चले ओके बच्चा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आया देखो, है ना। ये बच्चा आपका इक्विलिब्रियम वाला पार्ट से क्वेश्चन आया है, इक्विलिब्रियम वाला पार्ट से 2300 क्वेश्चन है। आपको केसी और केपी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों। आपके पास टाइम है क्वेश्चन है ना, आपको मैं 3 मिनट टाइम दे रहा हूँ, कीजिए। बच्चा पोल लॉन्च कर दिया मैंने, अगेन केपी और केसी वाला पार्ट है बच्चा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, ऐसे क्वेश्चन का आने चांस एग्जाम में काफी ज्यादा है। हो रहे बच्चे, हो रहा बच्चों ये पार्ट है ना, बच्चों किसने वोट डाउन नहीं किया बच्चों अभी तक, कम ऑन आपके पास टाइम से, कम ऑन 2 मिनट टाइम आपके पास अभी भी है, कम ऑन कीजिए। फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, फॉर्मूला केपी इज इक्वल टू केसी आरटी की पावर डेल्टा, ये होता है कि नहीं होता बच्चों, होता है, यस या नो, ये फॉर्मूला यूज करना है, डेल्टा एनजी निकाल लो आपका आंसर आ जाएगा बच्चों, कम ऑन। केपी को लिखो बच्चों, एसी बच्चों ले लिखो, एक्स इंटू 10 की पावर 13, आर टी की पावर, पावर निकल बच्चों क्या आएगा इसका, आप निकालिए डेल्टा जी कितना आएगा,
बच्चों आपको ये एक्स का वैल्यू चाहिए, इसको डोमिनेटर लेके चले जाओ, आ जाएगा आपका आंसर। जी हाँ मुस्कान, राशि, तन्वी, बाकी सारे बच्चे बताइए कहाँ कहाँ चले गए आप। इशिता, तन्वी, ऐश्वर्य, बताइए बच्चा, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। यस सर, कीजिए बच्चा, डेल्टा एनजी कितना आएगा? एक वोट अभी तक आया है, एक वोट अभी तक आया है। पर सही है गलत? गलत क्यों होगा, ट्राई करो, आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा आंसर बताओ, क्यों नहीं आएगा? सब आंसर आएगा, टेंशन ना लो, ट्राई तो किया। चलिए, डेल्टा एनजी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट साइड में आपका वन मोल है, वन माइनस, और रिएक्टेंट साइड में कितना बच्चों? वन प्लस वन बाय टू, मतलब कि 1.5, राइट है ये ना? हाँ है ना, अच्छा वही वही क्या हुआ, ये आपका 3/2 हो गया, तो यहाँ पे आप 3/2 लिख दो, तो क्या आंसर आएगा? -1/2। आप यहाँ पे और दो, -1/2, -1/2 मतलब फिर क्या होगा, क्या आंसर आएगा? अब देखो, अभी आपको सॉल्व करना है इसको, आप क्या बोलोगे? यहाँ पे आपका आर टी पावर में क्या आया, -1/2 आ गया, ठीक है। आपको बच्चों क्या निकालना है, आपको एक्स की वैल्यू निकालना है। एक काम करो, ये पूरे टर्म को इस साइड लेके चले जाओ, डिनोमिनेटर लेके जाओ, तो क्या आएगा? 10^3, और ये डिच क्या होगा, आर टी के पावर हाफ आ गया, सॉरी क्या बचा, क्या -1/2 हो गया, -1/2 है। अब बच्चे क्या होगा, ये 12 है और 13, तो क्या होगा, तो क्या यहाँ पे 10 बचेगा, यहाँ पे 10 बचेगा, 2 1 2 5। अभी आर टी नेगेटिव है, ऊपर जो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, आर टी के पावर हाफ पाई 5 इज इक्वल टू एक्स, हाफ मतलब बच क्या होता है, रूट होता है। तो क्या आंसर आया, ऑप्शन बी आया, आया ऑप्शन बी। यस सर, सर मेरा सही था इसका मतलब। देखो सिंपल सी बात है बच्चों, फॉर्मूला पे डालो, सीखो कैसे करेंगे। हाफ आ गया, सौ नीचे लेके चल गए, ये 12 है, यहाँ पे मत के बचो, यहाँ पे कट के 10 बचा, 2 1 2 5 5 आ गया। अब यहाँ पे पावर -1/2 है, ऊपर के जाओ +1/2 हो जाएगा, +1 मतलब क्या, √5 बन गया आपका आंसर। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन आईएमपी क्वेश्चन, जीडब्ल्यू के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछ जाता है, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ जाएगा यस सर, जी। अगेन बच्चों को ये आपका आ रहा है कोऑर्डिनेशन वाला कंपाउंड का बच्चों क्वेश्चन आ रहा है। तो बच्चों मैंने आपको कहा था इस क्वेश्चन बच्चों आपको याद ही कर लेना है। रीजन क्या बच्चों, बिकॉज कुछ कुछ क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो बच्चों इसका पूरा इक्वेशन है बच्चों, इस इक्वेशन को आपको नोट डाउन करना है। देखो कोबाल्ट क्लोराइड वाला पार्ट है बच्चों वाटर में, तो मतलब कि ये आपका कंपाउंड है, ठीक है ना, जो कि आपका ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का है। अब देखो कोबाल्ट सब में वाटर, देखो सब में वाटर कहने के ऐड किया हुआ है, ओके सब में वाटर आपका ऐड किया हुआ है। फिर बच्चे क्या बोला गया, देखो जब मैं इसको एसिड में डालता हूँ तो ये आपका डीप ब्लू कलर का आता है,
वो क्या वाई है, वाई क्या बच्चों, वाई ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है। फिर बोला क्या बच्चों, वाई का ज्योमेट्री क्या पूछा बच्चों, तो ये बच्चों ये आपका है ना एस ब्लॉक है, इक्वेशन है। तो बच्चों इक्वेशन को आपको याद करना पड़ेगा, इसको बच्चों ध्यान रखना, इस इक्वेशन बच्चों आपको प्रॉपरली नोट करना है, अगेन सेम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्या बच्चों का कोबाल्ट 2+ में होगा और ये 2% बनाएगा, जब ये क्या बच्चों का ये आपका कोबाल्ट टेट्रा क्लोर बनेगा, जो कि आपका टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर होगा, बन गया। इसको आपको इसको नोट डाउन करना है, इम्पोर्टेंट है। और ये बच्चा आपका डी ब्लॉक में एक स्टेटमेंट लिखा हुआ था, इसका मैं आपको रेफरेंस दूंगा एनसीईआरटी के पार्ट से। हर एक क्वेश्चन कहने के बच्चा आपका एनसीईआरटी से ही आ रहा है, ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन। तो प्लीज सारे बच्चे समझ के कीजिए, डन। कोई दिक्कत बच्चों, इसको बच्चा आप यहाँ पे इसको नोट कर सकते हो, ठीक है सारे बच्चे। यस सर। और बच्चों कल बच्चों ये आपका हम ये चैप्टर करने वाले, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाले हैं, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाले हैं। अच्छा सर, ओके बच्चा, अब देखो ये सारे यहाँ पे कंपाउंड्स है, आपको इन सब का हाइब्रिड अगे बच्चों सिंपल क्वेश्चन है कीजिए। बच्चा मैं पोल लॉन्च कर रहा हूँ, इसका इजी क्वेश्चन है। HCl4, SO4, BrCl3। अगर बच्चों इन सब का मैंने आपको शॉर्टकट मेथड भी बताया था, राइट, कीजिए। बच्चा मैंने यहाँ पे पोल लॉन्च कर दिया है, बच्चा क्वेश्चन को कीजिए, फॉर्मूला याद कीजिए, फॉर्मूला कौन सा था। सारे बच्चे कीजिए, मुझे सारे थक गए क्या बच्चों, थक गए क्वेश्चन करते करते। बच्चों बोलो, नो सर। बच्चा इजी क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था वेस्पर वाला पार्ट, तो बच्चा कल ये पार्ट हम अच्छे से करने वाले, तो प्लीज सारे बच्चे प्रॉपरली जॉइन करिए, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट पार्ट है ये पार्ट। तो ये कल बच्चा हम पूरा दिन यही हम रन करने वाले हैं, सारे ये पूरा पार्ट रन करने वाले हैं। ओके तो बच्चा मैं यहाँ पे पोल कट करता हूँ, सारे बच्चे ध्यान रखो, जब भी आपको क्वेश्चन आ गया ऐसा और आपको बोलेंगे फाइंड द हाइब्रिडेशन, ध्यान देना, अगर 2 आ रहा है तो SP, 3 आ रहा है SP2, 4 आ रहा है तो SP3, 5 आ रहा है SP3D, 6 आ रहा है SP3D2, 7 आ रहा है SP3D3, इतना ही आपको नंबर एग्जाम में आएगा। कैसे ध्यान दो, XCF4 जरोन है, हाफ पहले अफ्रीका, जरन के वैलेंसी कितने बच्चों, आप बोलोगे नोबल गैस है तो ऑटोमस में 8 इलेक्ट्रॉन है, प्लस हमें मोनो वैलेंट एटम का मतलब कि जो एक बॉन्ड बनाया, तो फ्लोरीन क्लोरीन आपका एक ही बॉन्ड बनाता है, या आपका एक ही बॉन्ड बनता है, कितने फ्लोरीन बच्चों,
आप बोलोगे यहाँ पे आपका चार फ्लोरिन है, राइट? तो 8 प्लस 8 प्लस 4 बच्चों कितना होता है, कितना होता है? आप बोलोगे 12 बाई 2, 6 आ गया, मतलब बच्चों SP3D2। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ पर किसी को भी? कोई दिक्कत नहीं, ओके। SF4 हाफ, सल्फर की वैलेंस 6 होती है, 4 फ्लोरीन 4, 6 प्लस 4 10, 10 बाय 2 5, 5 मतलब क्या बच्चों? SP3D, ओके। फिर आपका बी ब्रोमीन ट्राइक्लोराइड हाफ, ब्रोमीन का वैलेंस 7 होता है, हेलोजन है, 3 क्लोरीन है, 10 बाय 2 5, तो एसपी, तो क्या बचा गया? आप बोलोगे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा बच्चों कैसे करेंगे? सब कुछ ऐसा आया समझ में सर बच्चे? यस सर। अगेन ऐसे क्वेश्चन का एग्जाम मारने का चांस बहुत ज्यादा है। कल पूरा दिन हम इसी पार्ट को प्रॉपरली करने वाले हैं, इसी पार्ट को पूरा दिन, मॉर्निंग क्लास हर जगह पे हम इसी पार्ट को कल प्रॉपरली करेंगे। कल ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसी को हम पूरा दिन रन करने हैं, इसी पार्ट को। चलिए आगे बढ़ते हैं, ओके। अगर बच्चों देखो, ये बच्चों देखो, ये हमने क्वेश्चन कर लिया था, राइट? क्लोरीन है और हमें इसका वैल्यू निकालना है। आपको यहाँ पे सबका वैल्यू दिया गया है। देखो आपको पता है बच्चों, ये आपका थर्मोडा का पार्ट है। देखो बच्चों क्या होता है, देखो क्लोरीन है बच्चों, ये आपका गैस है और ये आपका एक एटम है। तो पहले आपको गैस में से एटम को ब्रेक करना पड़ेगा, तो आपको बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। तो कौन सा बच्चों लग गया? आप बोलोगे आपको यहाँ पे लग गया बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ डिस्यूजन, मतलब कि डिस्यूजन एंथैल्पी लग गया। तो ये आपका वैल्यू है कितना बच्चों यहाँ पे? हाफ है, तो करना पड़ेगा आपको, ऐसे करना पड़ेगा, देखो प्लस हाफ 240। तो बच्चों क्या हुआ? आप बोलोगे क्लोरीन गैस से क्या हुआ, आपका क्लोरीन 2 था, गैस था, और वो आपका एटम में चेंज हो गया। तो बच्चों आपको क्या क्या पड़ेगा? क्लोरीन मुझे एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा, उससे हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या होगा इसका? तो इजी मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसको दिया 320 माइनस 320, एक इलेक्ट्रॉन को आपको ऐड करना है। फिर बच क्या होगा, मतलब कि गैस से आपने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, वो अभी गैस में है, गैस में ही है। अब आप उसको पानी में डालना पड़ेगा, मतलब कि एक्वस कंडीशन है, तो क्या बनेगा? ये आपका एक्वस बन जाएगा। तो क्या होगा, अगेन करो सॉल्व करो, आपका वैल्यू आ जाएगा। और वैल्यू किसमें चाहिए बच्चों? आपको चाहिए इसका मॉड वैल्यू चाहिए, जो भी आंसर आएगा उसका आपको मॉड लेना। तो आपका आंसर आ गया, डन बच्चे? पर सबको समझ में आया कैसे किया हमने? हाँ है ना सारे बच्चे? सो गए क्या भाई, नींद आ रही है? सो तो कुछ तो बोलो, ऐसा लगा यस एकदम एकदम लगा एकदम शांत हो गए हैं, ऐसा कैसे चलेगा? देखो मॉलिक्यूल को एटम में चेंज किया, मॉलिक्यूल को एटम में चेंज किया, हाइड्रोकार्बन की वेटिंग कितनी है? एक दो क्वेश्चन का ऑर्गेनिक पार्ट है ना, ऑर्गेनिक में से देखो, अगेन बच्चा ध्यान समझो, ऑर्गेनिक में से 7 से 8 क्वेश्चन आने चांस है, या सब बोल सकते हो 6 से लेके इतना चांस है आने का ऑर्गेनिक का, ठीक है? चलिए देखो, कैनी जारो का बोला गया, अब बोला गया हमारे कौन सा कैटलिस्ट आ गया वो आपको बताना है बच्चों। उसका वो चैट बॉक्स में बताइए क्या आंसर आ गया इसका। कैनी जारो में हम कौन सा रिएजेंट हम यूज करते हैं? कैनी जारो में हम क्या यूज करते हैं?
कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं? भैया ने ऑप्शन मार्क पूछा है, पक्का बताइए एक बार। क्या हुआ? बच्चों एक ही बच्चे ने आंसर दिया, कोई बच्चा है कि नहीं यहाँ पर जिसको जिसको मेरी आवाज, जरा हैंड रेस करो जरा। बाकी सारे बच्चे कहाँ चले गए? 10 तो बच्चे हैं, है ना? बच्चों वहां पे बेस के उसके होते हैं तो क्या बचेगा? एन ए ओ एच आएगा। एल्डोल में भी आपका ये आंसर है, ठीक है ना? ऑप्शन बी इज दैट आंसर है, सही बोला। ठीक है, अगेन आई एम पी है, बहुत ज्यादा कुछ पूछते हैं। अगेन ये पूरा पाठ हम कल करने वाले हैं, ब्रिजिंग मॉलिक्यूल के बारे में बच्चों बताया। देखो ये भी आपका प्रीवियस क्वेश्चंस है, तो सब हम कल प्रॉब्लम करने वाले, ठीक है ना? तो अच्छे से आना। देखो कोई भी बच्चा आपका ब्रिज, सब सब कैसे बच्चों, सारे आपके टर्मिनल है, कोई भी आपका ब्रिज नहीं बना रहा, तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे भी 0, जीरो आंसर आएगा इसका। अगेन ऐसा क्वेश्चन बच्चा आपको करना क्या है, आपको बच्चा कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे इन सब का वैल्यू सेम करना पड़ेगा, आपको इन सब का वैल्यू पता होना चाहिए। जो आपका अल्फा पार्टिकल बच्चों क्या बच्चों, वो आपका ऐसा होता है 2 होता है और उसका उपता 4, तो मतलब ये क्या बच्चों, ये आपका हीलियम न्यूक्लाई है। बीटा बच्चों क्या होता है? -1 और ये 0, ये वैल्यू होता है इसका। हाय साजिया, चलो तो ये देखो, ये आपका अल्फा का वैल्यू है और ये आपका बीटा का वैल्यू है। इसको आप ध्यान से नोट डाउन कीजिए, आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपको ऐड करना है, दोनों सेम आंसर आना चाहिए। एटॉमिक नंबर 89 में आप 4 को ऐड कीजिए तो कितना बनेगा? 93 बनेगा। -1 कर दीजिए तो आपका 92 आ जाएगा। आ गया आपका आंसर, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड करना है। अगेन ये आपका अल्फा पार्टिकल है और ये आपका बीटा पार्टिकल, ये बेसिकली आपका फिजिक्स में ये पढ़ाना चाहिए। फिजिक्स में ऐसा क्वेश्चन आता है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में ऐसा क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा, और न्यूक्लियर केमिस्ट्री में बच्चा आपका फर्स्ट ऑर्डर चलता है, राइट? तो वहां पर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। चलिए बच्चों बाकी देखो, ये सारा पार्ट हमने ऑलरेडी किया हुआ है, ये सारा पार्ट बच्चों हमने ऑलरेडी किया हुआ है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, अगेन ये आपका फिजिकल, आपका फिजिक्स में भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। हाफ लाइफ 30 मिनट्स है, 90 मिनट बाद कितना बचेगा वो आपको बताना है। सपोज करो आपका जब टाइम था 0, हाफ लाइफ 30 मिनट्स है, तो कंपाउंड था, कंपाउंड एक 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 मोल था, मान लो एक मोल था, आधा घंटा बीत गया, क्या हो जाएगा? उसका आधा हो जाएगा, और आधा घंटा चले तो क्या हो बचेगा? उसका भी आधा हो जाएगा, है ना? और 30 बच क्या होगा? 30 30 90 मिनट्स बोला बच्चों को, आधा हुआ इसका, आधा फिर इसका, इसका आधा हो जाएगा, तो ये 90 मिनट बचे, कितना बचा आपका? 1/8 बचा। तो क्या बच्चों, ये बराबर है 1/2 t के, आपको t का वैल्यू निकालना है। तो अब बच्चों ये आप दो क्या दे, दो क्या लिखा दिया है, 2t इज इक्वल टू 8, तो t कितना आएगा? 4। ऐसे आपको करना है, तो एग्जाम को पैटर्न समझो कि एग्जाम पैटर्न कैसा। अगेन ये इजी क्वेश्चन है,
ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आपको फिजिक्स से भी पूछ सकते हैं बच्चों। बाकी क्वेश्चंस ये सारे पार्ट अमीनो एसिड, ये सारे पार्ट बच्चों हम कल करने वाले हैं, तो अच्छे से रिवेश कर दो। अगेन ये सारे क्वेश्चन हम कल करने वाले हैं, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी। देखो पोटेशियम ब्रू किसका होगा, मतलब सोडियम मेट्रोफोसाइड, ये अभी अब थोड़े दिन पहले हमने पढ़ा था, राइट ना? ये दिखा था कि नहीं दिखा था? ये दिखा था ना बच्चों? तो ये सारा पार्ट बच्चा हम कल करने वाले हैं, तो कल का क्लास बच्चा बिल्कुल मिस मत करना, अच्छे से प्रॉपरली पढ़ाई करना, ठीक है ना? तो ये सारा पार्ट हम बच्चा हम कल करने वाले हैं, ये आपको समझना है। बहुत सारा प्रीवियस क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, आपको पीडीएफ भेज दिया मैंने, उसको अच्छे से समझ समझ कीजिए, ठीक है? ओके बच्चों, तो हम यहाँ पे क्लास को एंड करते हैं। और बच्चों एग्जाम में पॉजिटिव माइंड से एग्जाम देना, और अच्छे जितना हो सकता मैक्सिमम क्वेश्चन रीड करके आना, ठीक है? बाय बच्चों, बाय।